Mangalam Dangalam. वो लड़की है कौन जिसे मैं पहचानता हूँ? अगर पहचानता हूँ तो जानता क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा है यार. सॉरी, वो कौन है जिसके आने से मुझे मेरे लाइफ का मोटो मिल जाएगा? वो कौन है जिसके आने से मुझे इज्जत भी मिलेगी और सक्सेस भी? क्या कहा था और डॉली बाबा ने, पूरी रानी पूरी पानी पूरी होगी कहानी, पूरी रानी पूरी पानी पानी पूरी. मिल गई दुनिया मेरी, हिल गई. पास है पूरी पानी, खड़ी है मेरी रानी, अब यही करेगी पूरी मेरी कहानी. बनूंगा इसका राजकुमार, क्योंकि है पापा की इज्जत कमानी. अरे पगला गए हो का जो बीच सड़क पे नाच रहे हो दिन में? क्या हम तुमसे एक बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं. अब तो जरूर करेगा. कुछ भी बताने का मूड नहीं है मेरा. अम्मा पूछेगा और तुमको बताना पड़ेगा कि हमारा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों अलग अलग क्यों रहता है, एक साथ क्यों नहीं? क्योंकि मेरी बेटी की विदाई नहीं हुई है. लेकिन वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है. हाँ ना, वो जरूर पति पत्नी ही है. लेकिन जब तक एक पति अपने ससुराल से अपनी पत्नी की विदाई नहीं करवाता, तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते. समझी? अब सोने जाओ. वैसे भी मेरे कमरे को तो हड़प लिया है, हैं? और मुझे गेस्ट रूम में नींद नहीं आती. तो एक काम करो सकलेचा, दूसरा कमरे में सोने का आदत अब डाल. जब तक तुम अपने बेटी का विदाई नहीं करेगा, हम तुम्हारा कमरा नहीं छोड़ेगा. अब हम आराम से सोने को जाते हैं. पंखा नहीं चल रहा है? हम ठीक कर लिया है. अच्छा, और वो पलंग? उसके स्क्रू लूज था ना, वो हम टाइट कर लिया है. अच्छा, नल 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 चल रहा है? नल को ठीक करने के लिए हम प्लम्बर को बुलाया, वो टीका करके गया है. और वो जो कमरे में चींटी था ना बहुत सारा, उसके लिए हम पाउडर छिड़का है. अब हमको कुछ नहीं काटेगा. और हम वो कॉटन बॉल भी लाया है कान में डालने के लिए. नो नॉइस, नो डिस्टर्बेंस, ओनली स्लीप. गुड नाइट मिस्टर सकलेचा. अरे कुट्टी, आज रात को कर दूंगा तुम्हारी छुट्टी. कल सुबह ये कमरे हमारे हो गए, आज रात होगा पूरा हंगामा. वैसे माना पड़ेगा, तुम डांस काफी अच्छा कर लेते हो, वो भी बिना म्यूजिक के और सड़क के बीचों भी. म्यूजिक तो दिल में बज रहा था. अच्छा, वैसे तुम डांस क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोई मिल गया. कौन मिल गया? जवाब मिल गया, एक पहेली का जवाब. पहेली क्या थी? पहेली क्या थी जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये जानना है कि जवाब क्या था. तो फिर जवाब क्या था? पानी पूरी. इंटरेस्टिंग.
वैसे तुम हो तो काफी इंटेलिजेंट, कंप्यूटर हैक कर लेते हो, पजल सॉल्व कर लेते हो, वेरी क्रिएटिव। तुम्हें क्रिएटिव लोग पसंद हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी पसंद कुछ और है। क्या है तुम्हारी पसंद? अम्मा से मत कहना, मुझे फिल्मी दुनिया पसंद है, फिल्म मेकर्स जो सपनों की दुनिया बनाते, मुझे फिल्में पसंद है। मैं बैठा हूँ कंप्यूटर इंटरनेट लेकर और इसे पसंद है फिल्म मेकर। डॉली बाबा ने ना सही कहा था, इसका मतलब अगर मैं एक फिल्म मेकर बन जाऊं, दुनिया में फेमस हो जाऊंगा, फिर फेम, अवार्ड, पैसे, पापा की नजरों में गधे से घोड़ा बन जाऊं, इज्जत भी मिलेगी और फिल्म मेकर भी बन जाऊंगा। क्या है मिस्टर कुट्टी, सो जाओ चुपचाप। अयो भाई मुझे नागिने। अयो तुम्हारे इतना हिम्मत, हम को नागिने बोलते है तुम? अयो आपको भाई मुझे नागिन नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो हमारा हमारा पेट पे क्या है भाई, मुझे देखिए हमारे चेस्ट पे। अयो 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 चिल्ला मत। ये किधर से आ गया? हमको क्या पता किधर से आया, इधर है। आप काम करो, इसको हटाओ भाई जी। हमें नहीं हटाएगा, हम हाथ नहीं लेगा। वाइफ जी, हाँ बोलो। आप कुछ करो, इसको हटाओ वाइफ जी। फिल्म मेकर्स। यो यो यो। अच्छा। यो। अयो यो यो यो। हमारा रूम ये बंद। निकालो उसको, निकालो निकालो। यो कैसा निकाले? क्या हुआ मक्खन? আমার দৌতি কে হাতের নাগিন ঘুস গিয়ে। ये नागिन बड़ी खतरनाक है, ये धोती के अंदर घुसी है तो बिल्कुल डस के रहेगी, जैसे कि हिलना नहीं। जैसे कि नकली सांप है, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। अब इस नकली सांप से ये कुत्ती के तोते, कौवे, कबूतर सब उड़ जाएंगे। गला पकड़ेगी, गला पकड़ेगी। हिलना नहीं, हिलना नहीं। मालिक, मालिक नहीं, मालिक। पापा 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 क्या कर रहे हो पापा? मालिक मालिक छोकर छोकर। सब लोग शांत। ये नाग नागिन जो होते हैं ना, बड़े डरपोक होते हैं बेचारे। देखो कैसे सहमे सहमे से हैं, हम इंसानों से बहुत डरते हैं वो। मालिक फेंको, मालिक फेंको। ले ले तू मालिक। मालिक मालिक नहीं, मालिक नहीं, मालिक नहीं। ये क्या कर रहे हैं ससुर जी, आपको सांप से डर नहीं लगता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं। नाग नागिनों से मैं नहीं डरता। अरे ये नागिन तो क्या, मैं तो बड़ी बड़ी नागिनों से भी नहीं डरता। मेरे अंदर है ना एक सपेरा बसा हुआ। साकेचा थोड़ा लंबा लंबा फेंकना बंद करो। है ये लंबा नहीं फेंकूंगा, यही बगल में ही है ना मैदान, यही फेंकूंगा। हमें ये पूछता है कि तुम इसको कंट्रोल कैसे करेगा? मैं ये नाग नागिनों से नहीं डरता, ये मुझसे डरती है। देख ना, ए नागिन, ए बापू का, देखो कैसे कांप रही है, देखो। अरे तुझे तो मैं ऐसे चूने की पुड़िया की तरह बांध के मेरी जेब में रखूंगा, समझती क्या है तू? वाली असली वाली है, नकली वाली अपन की जेब में। सॉरी क्यों बोल रहे हैं नागिन को? वो क्या है ना, मालिक का दिल बहुत सॉफ्ट है, तो मालिक ने अभी सांप को डांटा है ना, तो दुखी हो गया
और वो रो रही है ना रूमी दीदी? हाँ, हाँ, वो ना पापू ऐसे ही अर्जुन ऊपर से सख्त है बट अंदर से बहुत नरम है। हाँ, नारियल की तरह। अयो सकलेचा, अयो पापा। पापू आप घर में? मैं जिंदा हूँ। हाँ पापू आप जिंदा है? वो कहाँ है वो? वो कौन? नागिन। सकलेचा, आमर बेटा ना उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में छोड़ के आ गया है। बहुत अच्छा किया। एक बात बताओ, वो तुम्हें बोला था ना कि वो तुमको नागिन से डर नहीं लगता है, तुम बड़ा बड़ा नागिन को हैंडल किया है, वो सब का क्या हो गया? तुम्हारे अंदर एक सापेरा था बोला, वो क्या सो गया? तुम बेहोश भी हो गया? मैं कोई नागिन बागिन से डरता नहीं हूँ। मेरे अंदर सपेरा जो है ना, वो सोया हुआ नहीं है, बहुत जागृत अवस्था में है। आपने देखा नहीं है वो? ये तो क्या है, मुझे थोड़ा हार्ट अटैक आया है ना, इसलिए थोड़ा दिल जो है वो कमजोर हो गया है। अयो, देखो सकलेचा, इसका बाद ना एक बात एकदम पक्का हो गया है। क्या? कि तुम्हारे लिए वो कमरा एकदम डेंजरस है। वो उधर बार बार नागिन आता जाता है बोला ना तुम, हाँ वो अच्छा नहीं है। तो तुम एक काम कर, तुम्हें ये गेस्ट रूम को ना अपना बेस्ट रूम कर, हैं? सकलेचा, आखिर तुम हार गया और हम पेरे से जीत गया। मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को चारों खाने चित कर दूंगा। चारों खाने चित्त होने वाले नहीं है हम, बल्कि हम तुमको अब क्लीन बोल्ड करेगा। ए कुट्टी अम्मा, मैं वो खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारी गुगली से क्लीन बोल्ड हो जाए। कल की रात अगर मैंने अपना कमरा वापस नहीं लिया तो मेरा नाम भी संजीव सकलेचा नहीं, या तो अपने कमरे में मैं रहूंगा या इस घर से बाहर। नमस्कार। आइए ना, आइए, बैठ। क्या बताइए, क्या चाहिए बताइए? कलकत्ती दूं, बनारसी दूं, शिफॉन दूं, क्या क्या चाहिए? शिफॉन की अच्छी अच्छी साड़ी दिखा दीजिए। शिफॉन? अरे पूरा मध्य प्रदेश, पूरे भारत भर से मेरे शॉप में आते हैं लोग। दिखाइए, शिफॉन की दिखाइए। ये देखिए 101 साड़ियां हैं। ये देखिए। अरे ऐसी कारीगरी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहनते ही क्या मेरी पत्नी ऐसे मर जाएगी? वाली का आप अपन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वाली का भी तो आपको अपन की शादी करवानी थी। मालिक वापिस आ गए? अरे ये मरे नहीं बल्कि सो रहे हैं, सिपोन की साड़ी का तकिया बनाकर। जी, इन्हें सोने दीजिए, ये 2-3 दिन से ना सोई नहीं है। अच्छा आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? अपन दिखाता है आपको, जे देखिए। अरे भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अरे अपन दिखाएंगे ना। अरे मालिक की नींद नहीं पूरी हुई 2-3 दिन से, इसलिए सो रही है। नहीं भाई साहब, धन्यवाद, हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब सुन रहे हैं? नहीं, मालिक उठिए, नहीं तो आपकी तरह आपकी दुकान भी सो जाएगी। अच्छा माँ जी, मुझे याद आया, वो आयशा दीवान के किटी पार्टी में जाना है ना, तो क्यों नहीं मिसेस कुट्टी को भी साथ में लेकर चलते? अरे संगीता, तुमने जिंदगी में दूसरी बार समझदारी की बात की। अच्छा पहली बार कब की थी? याद नहीं, सोच के बताऊंगी। हाँ मिसेस कुट्टी, संगीता की एक सहेली है आयशा दीवान, उसकी यहाँ किटी पार्टी हुआ करती है, आप भी चलिए ना, बड़ा मजा आएगा।
अम्मा अम्मा को ना ये किटी विटी में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मुझे भी पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आयशा के घर पे बहुत मजा आता है, साथ में मौज मस्ती करेंगे। चलिए ना, बड़ा मजा आएगा सच में, चलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ अब आप बोल रहे हैं तो अम्मा माना कैसे करेगा, अम्मा चलेगा। मम्मी जी। हाँ? मालिक का टिफिन। क्या हुआ, चोरी हो गया? मालिक का टिफिन खो गया। नहीं नहीं, मालिक का टिफिन टूट गया। अरे मम्मी जी, मालिक का टिफिन बॉक्स दे दो। हो तो ऐसे बोलो ना। एक मिनट, तुम्हारा मालिक का वो टिफिन एकदम रेडी है, तुम्हें ये लेके जाओ। ये लो मक्खन, लेके जाओ मक्खन। मक्खन कानी खा खा मक्खन मक्खन। अरे रे 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 रे, हे भगवान, मेरा पूरा जीवन उबला हुआ करेला हो चुका है। उबली हुई दूधी, उबली हुई सब्जी, उबली हुई, अरे रे 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 रे, घासपूस जीवन हो गया है मेरा। पता नहीं भगवान, मैं ये चटपटा खाना कब खाऊंगा। मालिक, अपन से ना आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, तो देखो अपन आपके लिए क्या लेकर आ रही है। क्या? टल्ली हलवाई के चटपटे छोले भटूरे और देसी घी की जलेबियां। वाह, क्या छोले भटूरे। अच्छा सुनो, लंच के साथ साथ डिनर भी यहीं पर लेके आना, दुकान में बैठ के खाएंगे। हा? मैं चटपटा खाऊंगा और उबला हुआ तू खाना, ताकि कुट्टी को लगे कि उबला हुआ खाना मैं ही खा रहा हूँ रोज। हा? बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, उसको इस बात का बिल्कुल पता न लगे। पता तो तुमको चलेगा सकलेचा कि ये सब खाने का अंजाम क्या होने वाला है। अभी जितना खा के वाह 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 कर रहा है ना, घर जाने के बाद हम तुम्हारा मुंह से आ आ आ नहीं निकाला ना, तो हमारा नाम भी चंद्रकांता चारुलता वेंकटेश कुट्टी नहीं। सब एकदम परफेक्ट रेडी। वाह क्या बात है, हैं रूमी बेटा, हैं घर में ही जिम शुरू? नहीं बापू, मेरे लिए नहीं है। तो ये मिसेस कुट्टी के लिए है? पापू आप इतना हंस क्यों रहे? ये रस्सी कुत्ते हुए मिसेस कुट्टी कैसे दिखेंगी पता है? वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही मशहूर प्राणी है ना, ऐसे ऐसे कुत्ता है, कांगारू की तरह दिखेगी। कांगारू पंछी नहीं है बाय द वे मिस्टर साकलेचा, तो वो कांगारू हमें नहीं है, वो कांगारू तुम बनने वाला है। मैं अभी स्पीकिंग छोड़ के स्किपिंग शुरू करने का। क्यों क्यों हंस क्यों रही है आप? मालिक जे आपको कंगारू की तरह उछलते हुए सोच के हंस रही होगी। एकदम करेक्ट मिसेस कुट्टी, आप मुझसे जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करवा सकती। हाँ ये मेरा घर है, जिम नहीं है। एग्जैक्टली हम भी वही बोलते हैं। और उधर वो जो तुम्हारा दुकान है ना, वो रेस्टोरेंट नहीं है, जिधर तुम्हें छोला भटूरा वो जलेबी पापड़े सब खाते है। हा? किसने कहा मैं जलेबी खा रहा था, छोले भटूरे खा रहा था? किसने कहा आपको? रूमी लो। बेटा ये मक्खन लेके आया था, ये सब जलेबी छोले भटूरे। हाँ लेकिन मालिक खा तो आप रहे थे, वो भी उंगलियां चाट चाट के। चाटा मारूंगा एक। अब मक्खन पे चिल्लाने से क्या होगा बापू, हम आपके लिए अपना घर छोड़ के आए सिर्फ आपकी सेहत अच्छी करने के लिए, ताकि आप हेल्दी रहे, और आपने उनकी मेहनत में छोले भटूरे फेर दिए। अयो जलेबी भी फेरा। कोई बात नहीं रूमी, वो इंसान है ना, वो हो जाता है गलती थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी वो हम रोज कैलोरीज बर्न करेगा ऐसे एक्सरसाइज करके, है ना सकलेचा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना, तुम्हारे एक एक कैलोरी हम बर्न करके रहेगा। 34, 30, 35, 36
सकलेचा अभी याद रखने का, जब जब तुम ऐसा कैलोरीज वाला फूड खाएगा ना, तब तब हम तुमसे ऐसा एक्सरसाइज करवाएगा। इसे कहते हैं एक कुट्टी की और एक सकलेचा की। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम।